एक गांव में शुभम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो लालची और चालबाज था। वो एक साइकिल पर गोभी पकौड़ा बेचते हुए जाता था। वो गोभी पकोड़ा बनाने के लिए मिलावटी वस्तु इस्तेमाल करता था, मिलावटी तेल इस्तेमाल करता था। क्योंकि वो कम दाम में बेचता था तो लोग भी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। ऐ गरमा गरम गोभी पकोड़े, गरमा गरम गोभी पकोड़े, गोभी पकोड़े ले लो गरमा गरम, कहकर आवाज देते हुए गली गली घूमते हुए पकोड़ा बेचता था और लोग उसे खरीदते थे। एक दिन गांव में एक जगह कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। उनमें से एक ने हरे रंग की कमीज पहन रखी थी और दूसरे ने लाल रंग की। तभी शुभम वहां अपनी साइकिल पर पहुंचा। शुभम, अरे वाह, यहाँ इतने सारे लोग बैठे, अगर मैंने सब पकोड़े यहीं बेच डाले तो मेरा काम हो जाएगा। यूं सोचकर, क्यों भैया आप लोग ताश खेल रहे हो? तब एक आदमी, नहीं नहीं हम कबड्डी खेल रहे हैं, क्यों तू खेलेगा? अरे तो है कौन? तब शुभम, मैं गोभी पकोड़े बेचता हूँ साहब। भाई आप सब गोभी पकोड़े खाते हुए ताश खेलोगे तो अच्छा होगा ना? तब हरा कमीज वाला, अरे भैया रहने दो, पहले ही पैसे सारे गवा चुका हूँ मैं, अब तुम्हारे पकोड़े के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तब शुभम, अरे भैया एक बार मेरा गोभी पकोड़ा खा के तो देखो, अगर तुमने सारे पैसे वापस जीत ना लिए तो मुझसे कहना। तब हरा कमीज वाला, अच्छा सच कहते हो, तो ठीक है एक प्लेट दो, देखते हैं हो सकता है तुम्हारी बात सच हो जाए। तब शुभम ने तुरंत उसे एक प्लेट पकोड़े के दिए। तब वो आदमी, अरे वाह मैं तो जीत गया, अरे तेरे गोभी पकोड़े खाने के बाद मेरी किस्मत बदल गई भैया, भाई सब पैसे दे दो मुझे, मेरे पैसे दे दो, कहकर उसने सबसे पैसे दिए। तब शुभम, देखा भैया मेरे गोभी पकोड़े में कितना जादू है, अभी तुमने सिर्फ सादा गोभी पकोड़े खाए, अब स्पेशल गोभी पकोड़े खाकर देखो कि किस्मत और कैसे बदलती है, अब सारे पैसे तुम ही जीतोगे। तब हरा कमीज वाला, अच्छा सच कहते हो, तो ठीक है दे दो दे दो। तब लाल कमीज वाले के अलावा सब चिल्लाने लगे, भाई हमें भी स्पेशल गोभी पकौड़ा दे दो, भैया हमें भी स्पेशल गोभी पकौड़े के प्लेट देना, एक प्लेट हमें भी स्पेशल गोभी पकौड़ा देना, यूं चिल्लाने लगे। तब शुभम, अरे वाह आज तो खूब कमाई होगी, अपने साधारण गोभी पकोड़ा को स्पेशल गोभी पकोड़ा कहकर बेचूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, कहकर उसने सबको स्पेशल गोभी पकोड़े के प्लेट थमाए। सब गोभी पकोड़े खाते हुए खेलने लगे। तब शुभम, लाल कमीज वाले भाई साहब आप पकोड़े नहीं खाएंगे? वो आदमी, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तब शुभम, भाई साहब सब खा रहे हैं आप ही एक प्लेट ले लो। तब लाल कमीज वाला, ए मुझे परेशान मत करो, कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए, ज्यादा बकवास की तो जोर का थप्पड़ मारूंगा। तब हरा कमीज वाला, अरे तुम उसकी बातों का बुरा ना मानो, अब तुम हमें पकोड़े देते जाओ, हम खाते जाते हैं। तब शुभम खुश होकर, ठीक है भाई साहब ठीक है ऐसा ही सही, कहकर सबको पकोड़े देने लगा। तभी हरा कमीज वाला, अरे वाह मैं फिर जीत गया, अरे भाई निकालो पैसे निकालो, सब पैसे निकालो भैया, यूं कहने लगा। सबने पैसे निकाल कर उसे दिए। अब सबके पास पैसे खत्म हो गए। तब लाल कमीज वाला, अरे ये क्या सारे पैसे खत्म हो गए, चलो ठीक है एक आखिरी खेल सही, अब तेरे पास कितने पैसे हैं? यूं लाल रंग वाले ने हरे रंग के कमीज वाले से पूछा। तब हरा कमीज वाला, भैया मेरे पास पूरे 15,000 रुपए हैं, चाहो तो देख लो। तब लाल कमीज वाले ने सोने का चेन निकाला और कहा, ये लो भैया मेरे तरफ से ये सोने की चेन, चलो अब पत्ते बांटो। तब हरा कमीज वाला, अरे भैया अब ये चेन भी मेरी हो जाएगी। तब शुभम, हाँ भाई साहब ये चेन भी आप ही की हो जाएगी, गोभी के मार से सब अब्बा कहेंगे भैया, और नहीं तो क्या भाई साहब, मैंने कहा मेरा पकोड़ा खाओ तो ये लाल कमीज वाले भाई साहब खाते नहीं, आप खेलिए भाई साहब, वैसे भाई साहब आप मेरे पैसे मुझे दे दें तो मैं चलता बनूं। तब हरा कमीज वाला, अरे भैया खेल के बीच में पैसे नहीं मांगते, खेल के बाद सारा पैसा दे दूंगा, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, जरा ठहरो तो सही, कहकर वो खेलने लगा। इस बार लाल कमीज वाला जीत गया और खुशी खुशी कहने लगा, मैं जीत गया अब निकालो पैसे निकालो सारे पैसे, यूं कहने लगा। तब शुभम के साथ साथ सब दंग रह गए। तब लाल कमीज वाला, अब बताओ अब तुम्हारे पास रखने के लिए क्या है? तब हरा कमीज वाला, अब वो अरे हाँ मैं इसकी साइकिल दाव पर रखता हूँ, चलो अब पत्ते बांटो। तब शुभम, क्या मेरी साइकिल दाव पर लगा रहे हो? अरे भैया मेरा गुजारा इसी साइकिल से चलता है, अब इसे दाव पर लगाओगे तो कैसे चलेगा? तब वो आदमी, अरे भैया तुम साइकिल की चिंता करते हो,
अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे लिए एक साइकिल की कंपनी खोल दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम मान जाओ। तब एक और व्यक्ति, अरे तुमने कहा था ना तुम्हारे गोभी पकौड़ा खाने से किस्मत बदल जाती है, तो वो गोभी पकौड़ा खा के ही तो खेल रहा है, उसे खेलने दो, वो जीत जाएगा। अब मान जाओ, मान जाओ। तब शुभम, ठीक है मैं मान गया। तब लाल कमीज वाला, अरे भैया तुम अपनी साइकिल दांव पर लगा रहे हो और इसे खेलने दे रहे हो, सही बात है ना। तब शुभम, ठीक है ठीक है, अरे भाई साहब कम से कम इस बार जीत लो। यूं कहा उसने हरे कमीज वाले से। यूं दोनों खेलने लगे, तब लाल कमीज वाला, शो हा, मैं जीत गया। कहते ही सब वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से भाग गए। तब शुभम, अरे भैया रुको तो सही, मेरे गोभी पकौड़े के पैसे तो देते जाओ, कहकर चिल्लाने लगा। तभी लाल कमीज वाला खड़ा हुआ और वो साइकिल ले जाने लगा। तब शुभम, ए भैया ये साइकिल मेरी है। तब उस लाल कमीज वाले ने इसे जोर से थप्पड़ मारा और, क्या बकवास कर रहा है, ये साइकिल तेरी कहाँ से हो गई? यूं कही रहा था कि तभी पुलिस जीप आकर वहाँ रुकी। जीप से ऐसे ही उतरा और, ए मुझे खबर मिली है कि यहाँ जुआ खेला जा रहा है। क्यों, तुम ही लोग जुआ खेल रहे हो? तब लाल कमीज वाला, नहीं साहब मैं तो इस साइकिल पर गोभी पकौड़े बेचता हूँ, आपकी जीप को आते हुए देखकर वो सब अभी अभी भागे हैं सर, बस एक अकेला ये बच गया साहब, कहकर शुभम की ओर इशारा किया। शुभम के बहुत मना करने पर भी पुलिस वालों ने उसे खूब मारा और उसे जीप में बिठाकर उसे पुलिस स्टेशन ले गए।